छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, क्या भक्ति और जाति कराएगी कांग्रेस का बेड़ा पार 2019 के लोकसभा के चुनाव में? यह है आज का बड़ा सवाल, क्या भक्ति और जाति कराएगी कांग्रेस का बेड़ा पार? इसके साथ साथ कुछ और सवाल उठ खड़े होते हैं जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं। जातिगत राजनीति पर क्यों सबका जोर है? हर कोई जातिगत राजनीति से कन्नी काटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन राजगत राजनीति पर आज जो जोर है वो क्यों इतना बड़ा है? धर्म अगर निजी है तो भक्ति का प्रदर्शन आज सार्वजनिक क्यों? ये सवाल भी अपने आप में बहुत सारे जवाब मांगता दिखता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2019 के महाभारत का सारथी कौन होगा, भगवान राम या भगवान शिव? ये तमाम सवाल है जो आज हमारे सामने खड़े हैं। और इसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवल नरसिंहराव कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगी, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, अजय आलोक जी जेडीयू से, अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आज राम भक्ति बनाम शिव भक्ति की बात कही जा रही है, जातीयता को पूरे तरीके से प्रमुखता दी जा रही है, और उसके जवाब में जहां बिहार में जातिगत पोस्टर लगाए गए थे वहां आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी पोस्टर लगाए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं क्या हो रहा है हमारे देश में? देखिए, क्या राष्ट्रवादी होना कोई गलत बात नहीं है। हम शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, हम देश की हमारी सेना का उनके पराक्रम को हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस पार्टी का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी, कभी हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाली कांग्रेस पार्टी अचानक हिंदू प्रेमी पार्टी बनने की जो ढोंगी नाटक कर रही है, जो ढोंगी भक्ति दिखा रही है, इसमें जनता विश्वास नहीं करेगी। तो इसलिए वो जो भी दावे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता इस प्रकार की जो बहुत ही छिछोरापन की राजनीति है इसको समझती है, और असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, जनता बखूबी समझती है। अभी प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ एक सेकेंड में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुजरात के चुनावों के दौरान, या यूं कहें कि चलिए मैं कर्नाटक की बात कर लेता हूं, उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव के दौरान तकरीबन 90 दिनों में राहुल गांधी ने 27 मंदिर और मठ के दर्शन किए, और तकरीबन 75 दिनों में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने करीबन 32 मंदिर और मठों के दर्शन किए। अब यह बताइए कि यह भक्ति प्रदर्शन जो दोनों पार्टी के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसमें कौन आगे और कौन पीछे है, किसकी भक्ति असली और किसकी भक्ति नकली है? अजय जी, ये जनता तय करती है, ये कोई दिखाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी जो भक्ति दिखा रही है ये जनता तय करेगी। राहुल गांधी जिस प्रकार अपने आप को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बताती है, वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, शिव भक्त है, फिर उनको अपनी गलत अपने अतीत में जो बयान दिए हैं उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी को माफ़ी तो मांगनी चाहिए कम से कम। क्या मैं उम्मीद करता हूँ इस शो के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता इस प्रकार की माफ़ी मांगेंगे देश के साथ? चलिए, तो जैसे जोड़ती है धर्म को इस प्रकार जलील करने की कोशिश करना, वोट बैंक राजनीति करना, जब ये पूरे फेल हो गई है तो ये नया नाटक, नया ड्रामा का शुरुआत करना, ये इसको इस प्रकार के नाटक को जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। अनुराग भदौरिया जी, ऐसा क्यों है कि अब अचानक आपके पार्टी प्रमुख को विष्णु का विभव और बहुत ही भव्य मंदिर बनाने की बात सूची है? 2000 एकड़ में विष्णु मंदिर बनाएंगे क्योंकि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, यह खुद आपके पार्टी के अध्यक्ष का कहना है। बिल्कुल सही बात। इसके साथ उन्होंने विष्णु के अवतार को तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, लेकिन वहां लाइन सफारी भी हमने 5000 एकड़ बनाई है उसके बारे में इन्होंने कभी नहीं कहा। हमने वहां पीजीआई एम्स जैसा हॉस्पिटल भी बनाया इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोली। मैंने वो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और स्विमिंग पूल बनाया जिसमें बच्चे खेलते हैं और वहां पे अपने स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली नाम कर रहे हैं, इसके बारे में तो कभी नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जाति की बात करती है, हम उसके साथ विकास की बात करते हैं। धर्म हमारा आस्था का विषय है, हम हर काम करने के साथ साथ धर्म की बात करते हैं, क्योंकि जब आप घर से निकलते हो तो सुबह पूजा पाठ करके निकलते पहले हो, तो कहां आप धर्म की बात तो करते हमें, थे? हमने जब हम लाइन सफारी बना रहे मुझे याद दिलाइए, इस पे विचार मुझे याद दिलाइए कि आज से पहले 2017 से पहले धर्म की बात अखिलेश यादव कब करते थे? याद दिला रहा हूं जी,
बिल्कुल सही आपको याद दिला रहा हूं, 2009-10 में अगर किसी को याद होगा तो आपके ही कोई रिपोर्टर गए थे, उन्होंने पूछा था कि आप नवरात्रि उपास रखते हैं, उन्होंने कहा मैं सारे नवरात्रि उपास रखता हूं इसलिए मैं आज आपके यहां खा नहीं पाऊंगा, आपके यहां होगा रिकॉर्ड में। उसके बाद जब वहां पे हमने मंदिर बनाया, सबसे बड़ा मंदिर बनाया मैंने वहां पे, आप जाके देखिए मूर्ति सबसे बड़ी लगाई है कृष्ण भगवान की, सबसे बड़ी मूर्ति हमने लगाई बजरंगबली की, जाके देखिए तो सही, ये 17 में नहीं लगी है, ये 12-13 में लगी हुई है, और 9 में लगाई थी हमने, मंदिर बनाया था 9 में, वहां पे देखिए कितना भव्य मंदिर बनाया है। इनको तब क्या होता पता है, तब मंदिरों इसकी कोई बात नहीं करता था क्योंकि आस्था का विषय था। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि चिल्लाती ज्यादा करती कम है, एक मूर्ति अभी तक सरजू किनारे नहीं लगा पाए, मंदिर तो छोड़ो मंदिर का तो नाम ही भूल गए, अब तो हमारी तरफ आपने यहां पर अभी सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा जीवीएल प्लीज इसका जवाब दीजिए। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं लेकिन एक छोटा जवाब जीवीएल इसका बनता है होगा, मैं इनसे पूछता हूं एक मूर्ति लगा दें, एक मूर्ति लगा दें, वो मूर्ति नहीं लगा पा रहे हैं, ये सोचो एक मूर्ति है, मूर्ति लगाने के लिए क्या, मूर्ति लगाने के लिए पता क्या अनुराग जी जीवीएल आपका जवाब दे रहे हैं, पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके गवर्नर जी के पास आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, मूर्ति लगाएंगे राम की जी जी नरसिंह राव जी प्लीज दर्शकों, अरे धैर्य है, दशकों तो तक टूट चुका है क्योंकि आप फिर झूठ बोलेंगे, दशकों तक जिस दशकों तक जिस प्रकार का जो राजनीति किया गया और उस राजनीति के दौरान ये जो सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है उसको बहुत क्रूरता से बताइए, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख बताइए, अरे मंदिर कब बनाएंगे, तारीख बताइए, छोड़िए मुखौटा पहनाने की जो कोशिश किया था, आपने वोट मांगा था, बताइए मंदिर कब बनाएंगे, अभी उतर चुका है, कहानी मत बताइए, मंदिर की तारीख बताइए, अखिलेश यादव हो, जनता को बोला था बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मूर्ख बनाया था जनता को, लग रहा है कि हमें अभी गंगा मां को आपने ठगा, गंगा मां को साफ नहीं किया, इस प्रकार जनता को ठगा, मंदिर बनाएंगे, तारीख बताइए, तारीख बताइए अनुराग जी, तारीख बताइए अनुराग जी, जरा प्लीज अनुराग जी जरा सुनिए तो सही, नरसिम्हा राव जी क्या कह रहे हैं जी, बाबा बाबा करते रहो जी जी, नरसिम्हा राव जी आपने अपनी बात यहाँ पर स्पष्ट रखी, लेकिन मैं अजय जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अजय जी जिस तरीके से आज जातिगत बहुत सारे पोस्टर्स पटना में लगाए गए, अजय जी इस प्रकार इनको बोलिए थोड़ा, नहीं मैं बिल्कुल मैं आता हूँ नरसिम्हा राव जी, बस प्लीज मैं जरा अजय जी से इस बारे में इस जवाब ले लूं, बोलिए बीच में नहीं बोल जी, बीच बिल्कुल में नहीं बोलने देंगे, मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल 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 हम सब इसकी मर्यादा रखेंगे। अजय जी जो पोस्टर पटना में लगाए गए उसके जवाब में आज राष्ट्रवादी का पोस्टर लगाया गया है, क्या यही आज हमारे राजनीति का असर रह गया है जो आज देखने को मिल रहा है पटना की सड़कों पर, मध्य प्रदेश में रीवा में और कई अन्य जगहों पर? अजय आलोक जी देखिए, अजय जी मैं आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे आलोक जी बुलाएं ताकि दर्शक कंफ्यूज नहीं करें, चलिए। और दूसरी बात ये जो हरे कुर्ते वाले बैठे हुए हैं साहब, इनका माइक जरा लो कर दें, इनकी आदत है किसी को बोलने नहीं देने की और हर डिबेट का स्तर ये गिरा देते हैं, तो इसलिए इनका माइक लो कर दीजिए जरा। सबसे पहली अच्छा, बात मैं आपको अजय जी बताना चाहता हूँ, वही हरे कुर्ते वाले पार्टी से हैं जिनके मुलायम सिंह के आका मुलायम सिंह 1992 में कार सेवकों पे गोली चलाने के बाद कहते हैं कि 16 कार सेवकों को मारते हैं, हमने मंदिर बनवाया कृष्ण मंदिर जी, और इनका बोला ना इनका माइक लो कर दीजिए, डिबेट का स्तर गिरा देते हैं, आलोक जी आप अपनी बात रखिए, की बात है हरा कुर्ता छोड़ के कुछ और पहनना नहीं आता है, हरा कुर्ता पहन के बैठ जाएंगे पकड़ पकड़ करते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, टिप्पणी ना करें आलोक जी, अरे हरियाली से शर्म आती क्या, हरियाली से शर्म आती है क्या, इनका माइक लो कर दीजिए, किसी को बोलने नहीं देंगे, आपको डर लगता है, किसी को बोलने नहीं देंगे, हरियाली से डर लगता है, माइक लो कर दीजिए, इतना बड़ा हरे से डर लगता है, देखिए आपको हरियाली जाके खाइए ना, सारा हरियाली यूपी की तो खा गए आप लोग बैठ के, अब अनुराग जी आइए, अनुराग जी प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ प्लीज, हमें व्यक्तिगत टिप्पणियों से बाहर आना चाहिए, आइए सार्थक बहस करते हैं प्लीज, अनुराग जी मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ प्लीज, आलोक जी प्लीज अपनी बात कहिए आलोक जी। अब दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, ये जो आज कांग्रेस के द्वारा सार्वजनिक तौर से पोस्टर लगाए गए जी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं राजपूत हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसके आदर्श कभी गांधी नेहरू और पटेल हुआ करते थे, जो जाति विहीन समाज, समता मूलक समाज, समरस समाज बनाने की बात करते हैं, आज उस पार्टी का अस्तित्व इस स्तर पर पहुंच गया है कि उसे जातियों का सहारा लेना पड़ रहा है कि हम भी इस जाति के हमको वोट करो, हमको वोट करो, और देश को आज 22वीं शताब्दी में देश पहुंच गया, एक आधुनिक भारत बनने की जगह हम वापस जाति व्यवस्था की तरफ लौट रहे हैं, इसके लिए महान राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई, तालियों के साथ। दूसरी बात,
हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है जस राजा तस प्रजा, तो कांग्रेस के जो नए राजा बने ना ये दुर्लभ मूर्ख हैं, दुर्लभ मूर्ख। देखिए आलोक जी से भी नहीं मिलेगा, और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपसे बड़े आदर पूर्वक आग्रह किया है हमें व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि हम इसके इस मान को रखें, लेकिन ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है या ना ही नॉन पार्लियामेंट्री है, इसको चेक कर लीजिएगा। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणियों से बाजानी की बात कर रहा हूं। एक्शन में दिखता है कि जो राजा अपने पार्टी को जातिवादी प्रथा की तरफ ले जाए, एक आधुनिक दौर से हटने के बाद जिसकी उम्र खुद 48 साल की हो, जो क्लेम करता कोई युवा हो, उसको आप और क्या कहेंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे ऐसे। और ये कसम खा के आए कि जब तक कांग्रेस पार्टी को काट के मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक ये धरती पे नहीं गिरेंगे। अब आलोक जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, ये बताइए आज कौन सा युवा देश का इस पोस्टर को देख के कांग्रेस पार्टी की तरफ, बिल्कुल मैं इससे 100% सहमत हूँ कि आज इस तरह के पोस्टर देश की दक्षिणानुसी सोच को सामने रखते हैं, लेकिन यही सवाल आपकी पार्टी पर भी उठता है जब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था जिन्होंने सिर्फ जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ा था, क्या उस वक्त ये ज्ञान आपकी पार्टी को नहीं था? कोई जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं हुआ था, वो पूरे बिहार के समीकरण पर चुनाव हुआ था, और ये गठबंधन टूटा अजय जी, ये गठबंधन टूटा तो सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैं फिर कहता हूँ राहुल मूर्ख को समझाया जा सकता है, दुर्लभ मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता। आलोक जी क्या मुस्लिम और यादव के गठबंधन के आधार पर आरजेडी का वोट बैंक नहीं है? कुछ कीजिए, तो वो उस वक्त कुछ जवाब नहीं दिए, वो पीडी को। आलोक जी क्या हम इस बात को नहीं जानते कि आरजेडी का अस्तित्व अगर नेता मुसलमान और यादव वोट बैंक है नहीं हो तो वो नेता नहीं होता है। चलिए मुझे लगता है कि मैं अशोक जी से भी इसका जवाब लेता हूं। अशोक जी आज हर पार्टी मुसलमान वोट बैंक जो आप कह रहे हैं इससे तो हम लड़ के ही सत्ता में आए थे, प्रिसाइसली, तो उसी के साथ तो आप गए भी ना। यादव मुसलमान वोट बैंक की बात कर रहे हैं तो ये लालू जी के साथ था 2005। अशोक वानखेड़े जी आज सभी पार्टियां अपना न सिर्फ जातीय समीकरण सामने रख रही है बल्कि धार्मिक का आधार भी सामने रख रही है। अशोक वानखेड़े मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो मैं आलोक जी मैं आ रहा हूं एक सेकंड, अशोक वानखेड़े जी मुझे यह बताइए आज जिस तरह से हर राजनीतिक दल अपने जातीय समीकरण अपने धार्मिक आस्था को प्रदर्शित कर रहा है कहां जा रहे हैं हम? मैं देखिए अजय जी मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और कोई उत्तेजित हो तो बीच में मेरा तोड़े नहीं, सुने और उसके बाद उसका काउंटर करें जी। सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आगे बढ़ी तो राम को एक ब्रांड करके, ब्रांड एम्बेसडर करके पेश किया और उनकी सफलता मिली। जब देखा कि राम को ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद हम सत्ता में आ सकते हैं तो सारी राजनीतिक दल इस देश में सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सब देश का भला करने का जो एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम देश का भला ही चाहते हैं, चाहते बेसिकली सत्ता में आना। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट है कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बहुत बोला जाता है, हमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टैंड लेना पड़ेगा जी। तो आज के डेट में यदि राम बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर है तो शिव जी को कांग्रेस ने एम्बेसडर घोषित कर दिया, उधर समाजवादी पार्टी ने विष्णु का रूप धारण कर लिया जी। तो ये तो होगा क्योंकि चुनाव सबको जीतने हैं और जब चुनाव जीत कारण से जीते जाते हैं, मुझे बताइए किस डेवलपमेंट की बात होती है? राम मंदिर की बात चुनाव के समय आती है, बाद में बोला जाता है कि ये इससे अच्छा कि हम बाथरूम बनाएं, उसके अच्छा कि हम डैम बनाएं, फिर चुनाव के पहले राम मंदिर आ जाता है। ऐसे ही कभी मंदिर में जाके प्रदर्शन नहीं करने वाले लोग अब मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम अपने भाषण में कहते हैं कि हमें बाबा ने बुलाया है और हम शिव जी के दर्शन करने जाते हैं जी। आप मुझे, मैं बोलना चाहता हूं कि यदि अमित शाह को इतनी मठों में आस्था है कर्नाटक के, तो कर्नाटक के चुनाव के बाद कितनी बार फिर मठों में गए? ये चुनाव के लिए मठों में जाते हैं, चुनाव के लिए मंदिर में जाते हैं, चुनाव के लिए उपवास किए जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी करके चुनाव में प्रेजेंट करते हैं। जब आप अपनी जाति बताते हो, जब आप बैकवर्ड हो बताते हो, जब मैं चाय वाला हूँ बताते हो, जब आप ये कैटेगरी आप क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको चुनाव जीतना होता है, आपको उस सेक्शन को एड्रेस करना होता अशोक जी, है आपने बिल्कुल कबाड़ने होते हैं जिसको कहते हैं कौन बात करता है कि यू हैड द नेल ऑन द हेड, मैं बेचता था या इससे बेहतर बात शायद नहीं हो सकती थी। देश का भला जी वीर नरसिम्हा राव जी इसका जवाब दें, उसके बाद मैं प्रियंका जी के पास आ रहा हूं। जी वीर नरसिम्हा राव जी, नहीं नहीं अजय जी जी हां, नहीं नहीं मुझे लगता है अशोक जी भी इसी सुडो सेकुलरिस्ट के साथ रह के उनका भी विश्लेषण इस प्रकार विकृत रूप ले रहा है। किसी को चाय वाला कहना ये कोई गुनाह है क्या? नहीं, मैं ये कोई नरसिम्हा जी, मैं सुडो सेक्युलरिज्म के साथ दे रहता हूं, मैं शंकर संघ की शाखा में जाता हूं, कोई जात है क्या? और मोहन भागवत जी ने जो लगातार कहा है 3 दिन के वक्तव्य में,
मोहन भागवत जी की ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों मैं संघ के खंडे पे बैठ के राज्यसभा जाना नहीं चाहता। मैं संघ में संघ की शाखा में जाकर आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्युलरिज्म जो आप कह रहे हो वो छोड़ो, सेक्युलरिज्म है। इसमें कहने में आपको हो सकती है शर्म, लेकिन हमें गर्व है। ने कोई ब्राह्मण आपको चाय बेचने का भी आपने ब्रांड बनाया। पहले चलिए जेवीएल साहब अभी डेट बताएंगे, चिंता मत कीजिए। रहते रहते जेवीएल साहब अभी राम मंदिर की तारीख बताने वाले हैं। हम शायद अपने मूल मुद्दे से एक बार फिर भटक रहे हैं। सेक्युलरिज्म के साथ बैठता हूँ, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्लीज आइए आइए एक बार फिर चर्चा पर वापस। बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी अजय जी या ना करे तो ज्यादा अच्छा। में आप हमारे साथ नहीं थी, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता था, वो सवाल अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। आखिरकार ये कांग्रेस की क्या नीति है जब आप एक तरफ शिव भक्त और राम भक्त राहुल गांधी को प्रस्तुत करते हैं और दूसरी तरफ पोस्टर पर राहुल गांधी ब्राह्मण हैं ये लिखते हैं, क्या मतलब है इसका? मैंने ये पोस्टर्स नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने जात या धर्म का किसी का बनाया हो या उसके ऊपर से लिखा हो या हमने उसको किसी तरीके की मान्यता दी हो या अधिकारिता दी हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वी टोटली आई डोंट नो किस बारे में आप बात कर रहे हैं बैनर्स को लेकर। पटना और सही बात है, पटना में ये पोस्टर्स आए हैं। प्रियंका जी मैं आपको एक बार एक मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें पूरे देश भर में ट्विटर पर और तमाम जगह छाई हैं, उस पर हम रिपोर्ट दिखा चुके हैं। हम पे गाली गलौज होगी, आए दिन हमसे सवाल उठ खड़े होंगे, आए दिन अगर कोई केदारनाथ की कठिन यात्रा चलकर जाता है तो उनपे गाली गलौज की जाएगी। कैलाश मानसरोवर जैसी पवित्र और कठिन यात्रा जब की जाएगी उसको हनीमून टूरिज्म बताया जाएगा। इस तरीके की मानसिकता जो देश में पनप रही है, ऐसे खिसियाए हुए झुझलाए हुए और मानसिक तरीके से तिलमिलाए हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे नेतागण, उनके सारे प्रवक्ता, मैं कहना चाहती हूँ उनको भगवान सद्बुद्धि दे और भगवान का ध्यान रखकर वो थोड़ा देश की तरफ भी ध्यान दें और देश को जो वादा किया था, देश की जनता को जो वादा किया था विकास का और विकास के एजेंडा को लाने का, उस पे ध्यान अगर दे देते। नरसिंह महाराज जी इसका छोटा जवाब आप दें प्लीज। नरसिंह महाराज जी मुझको या नरसिंह महाराज जी जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उनको करने की जरूरत जी प्लीज। नरसिंह महाराज जी जवाब दे रहा हूँ जी। अच्छा अजय जी जैसे नेता वैसे प्रवक्ता, खुद प्रियंका जी ने एक हिंदी चैनल पे डिबेट में कहा था मैं ब्राह्मण हूं, आपने अपनी जात का जिक्र किया था उसी दौरान जब राहुल गांधी जी अपने आप को तो गर्व से कहूंगी सब अपनी अपनी जात को पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और सुन लीजिए मुझे, मैंने बीच में नहीं बोला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए पहले। सारे धर्मों के साथ खड़ी हूं पहले, मैं सारे जातों के साथ खड़ी हूं, फिर बोलिए अजय जी उनको बोलिए थोड़ा रुके। क्या तिलमिलाहट हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा रुके। अच्छा प्रियंका जी जरा नरसिंह महाराज जी की बात सुन लेते हैं। ये है कि जो लोग अपने आप को खुद को ठेकेदार बता रहे थे हिंदू धर्म के, भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटलाइन नेता जिसने इतनी कठिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा की हो। प्रियंका जी नरसिंह महाराज जी का जवाब सुन लेते हैं, मुझे उसके बाद ब्रेक लेना है। प्रियंका जी प्लीज नरसिंह महाराज जी की बात सुन लीजिए। नरसिंह महाराज जी प्लीज, नरसिंह महाराज जी अपनी बात रखिए। घर से कहती हूँ मैं तो सर्वधर्म सम्मान करती हूँ, भले मैं एक जात की हूँ। प्रियंका जी नरसिंह महाराज जी को अपनी बात तो कहने दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है जी। और उस पे अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकूंगी भाई साहब। नरसिंह महाराज जी गुजरात चुनावों के दौरान जब राहुल जी ने अपने आप को शिवभक्त घोषित किया था, उस समय रणदीप सुरजेवाला वो कोई अनजान आदमी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के आपके चीफ स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हाँ राहुल गांधी ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, इस प्रकार का बयान आपने किया था, किसी और ने आपको मजबूर हाँ, नहीं किया। ब्राह्मण है, आप जाकर के हाँ, वो ब्राह्मण है, अपनी जात पर मुझे नहीं पता था। आजकल भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड में ब्राह्मण होना कोई जुर्म है, कोई पाप है, और अगर कोई पाप है तो उनके साथ गाली गलौज होगी।
मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए हमें रुकना चाहिए। मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, हमारे साथ बने रहे, आप सब हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। बस छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं और उसके बाद फिर विस्तृत चर्चा पर जाते हैं कि अंततः हमारी राजनीति का आधार और मूल एक बार फिर से जाति और धर्म है, क्या यही 2019 का मंत्र है। और आज का जो बड़ा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है, क्या भक्ति और जाति कराएगी कांग्रेस का बेड़ा पार 2019 के लोकसभा के चुनाव में। और आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जीवल नरसिम्हा राव, प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस से, अनुराग भदौड़िया जी समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू से और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आज जो कांग्रेस पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप लगभग हर जगह लगता जा रहा है वो यही है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व आपके लिए भविष्य का रास्ता है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते आप 2019 को साधना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मुझे नहीं पता था कि मंदिर जाने से या मंदिरों में दर्शन करने से या ऐसी धार्मिक यात्रा करने से हम सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि जब हम मस्जिदों में जाते हैं, जब हम चर्चेज में जाते हैं या गुरुद्वारों में जाते हैं, हम पे ऐसा कोई वो टैग नहीं लगाया जाता है। ऐसा क्यों है कि जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सक्रिय हुई थी शुरुआत से लेकर और अब जब तक सत्ता संभाली है, सबको एक टैग लगाने में मजबूर कर देती है? ये कब से हमें सब लोग को हमारे धर्म का टेप या लेबल लगा दिया जाता है? तो ये जो इनकी मानसिकता है, ये वही मानसिकता पनपती है जब अपनी राजनीति आप धर्म और जाति के आधार पे करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। प्रियंका जी, इसे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सब धर्म। जेडीयू जो एक समय में आपके साथ खड़ी थी, आज जेडीयू के प्रवक्ता भी लगभग वही बातें आपके सामने रख रहे हैं। जाएंगे तो मंदिर भी जाएंगे, मंदिर मस्जिद भी जाएंगे। आप क्या कहते हैं, सम्मान करते हैं? ये लोग उस पर राजनीति करते हैं। ऐसा है अजय जी, मैं आपके कैमरामैन को बोलूंगा ये जरा जूम करने के लिए। जी, आपके कैमरामैन को बोलता हूँ ये जरा जूम करने। जी, दैनिक इंकलाब उर्दू पेपर है, 12 जुलाई की खबर, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट और सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट, कांग्रेस का आस्तीन मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है। एएमयू में राहुल गांधी का स्टेटमेंट, इनके तमाम मुस्लिम नेताओं का स्टेटमेंट, इनके उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट इमरान खुर्शीद का स्टेटमेंट, ये लगातार कभी अपने आप को मुसलमान पार्टी, उसके बाद संजीव सुरजेवाला प्रकट होते कहते हैं राहुल गांधी भगवाधारी जनेऊधारी ब्राह्मण है। ये अपने शिव भक्ति को जोर जोर से डंका पीटते हैं। जाइए ना भाई, शिव भक्ति करने किसने मना किया था? उसको पब्लिसाइज करने की क्या जरूरत है आपको? हम भी तो जाते हैं मंदिर, प्रियंका भी जाती होंगी मंदिर, क्या न्यूज चैनल और टीवी से इंटरव्यू को देते हुए जाती हूँ कि मैं जा रहा हूँ मंदिर, जा रही हूँ जरा मुझे कवर कर लो। ये भगवा ढोंग किस लिए भाई, क्यों ढोंग कर रहे हैं आप हैं क्या, पहले तो ये बताइए। आप तो कंफ्यूज लॉट हैं, आप कभी मुसलमानों की पार्टी, कभी प्रियंका जी, प्रियंका जी कभी कृष्ण भक्त, एक मिनट आलोक जी, और सारे भक्त एक दूसरे को छोड़ते हुए जा रहे हैं। आप किसकी गाइडलाइंस पे चल रही हैं? मैं तो किसकी गाइडलाइंस पे चल रही आप? उसके बाद बेचारे अजय आलोक, ये लगता है कि बिहार में फिर इनके पार्टी के नेता पोस्टर निकल के आ जाते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बुमियार हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं कभी आप अपने आप को मुस्लिम पार्टी बनाते हैं कभी। अरे भाई साहब देखिए, जिन लोगों ने धर्म की राजनीति की होगी ना, वही लेबल लगाते होंगे। हमने ना ही कभी कहा हम मुसलमान पार्टी, ना ही हम कह रहे हैं हम एक पार्टी, कोई धर्म और जाति की पार्टी नहीं, हम देशवासियों की पार्टी, देशवासियों की समस्याएं सुलझाने वाली पार्टी, देशवासियों को जाति और धर्म के ऊपर लेकर जाने वाली पार्टी, देशवासियों लालू यादव के पीठ पे सवार होकर प्रगति की बात करती हैं, जो लोग लालू यादव के पीठ पे सवार होकर तेजस्वी यादव को गोद में बैठा के चिदंबरम के बगल में बैठाने वाले लोग, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, अगर हम एक साथ बोलते रहेंगे तो हम कतई नहीं सुन पाएंगे कि अगला क्या कह रहा है। प्लीज प्लीज, अगर हम इसी तरीके से बात करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम एक मुद्दे पर या निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान कर लीजिए, समस्या ये है कि वो बोलने नहीं रही। रोजगार को आप भूल, अच्छा प्रियंका जी एक मिनट, अनुराग भदौड़िया जी, कांग्रेस के ऊपर आज जिस तरह के भी लेबल को चिपकाने, नहीं प्लीज आप बोलिएगा प्रियंका जी,
ऐसे लोगों को टेलीविजन चैनल पे जगह भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज हम देश को मजबूर कर रहे हैं कि वो सिर्फ जाति धन की बातें करते रहे, ना कि विकास व्यवसाय और नौकरियों की। राजा तो प्रजा क्यों नहीं बोलेगी, बोलिए। वही तो, जैसा राजा वैसी प्रजा आपने कर डाली है, आपने मजबूर कर दिया है देश। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, इस तरह से हम इस बहस को एक सार्थक बहस नहीं बना पाएंगे। प्लीज मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, अजय जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी और प्रियंका जी, आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, जब हर पार्टी पर लेबल चिपकाया जा रहा है, तो एक जमाना था जब समाजवादी पार्टी को मौलानाओं की पार्टी कहा जाता था, आज समाजवादी पार्टी भी विष्णु मंदिर बनाने की बात कर रही है। आखिरकार ये इतना बड़ा घालमेल क्यों है? आप लोग तय कर लीजिए ना भाई, कहाँ खड़े हैं, किसका समर्थन चाहिए और किसका नहीं चाहिए। देखिए, बिल्कुल, मैं देखिए समाजवादी पार्टी ने विकास की बात की और विकास पे ही हमारा मुद्दा भी था। अगर आपने तो मेरा स्लोगन भी विकास ही था और विकास भी हमने इलेक्शन लड़ा, बेशक हम हार गए, लेकिन आप जानते हो जाति धर्म थोड़ा सा बहकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार है, वो हर 20 साल में एक आध बार बहका लेती है। जैसे अभी जीवल साहब बैठे हैं, इनसे पूछो, डेट तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन राम मंदिर दिन भर गाएंगे, और फिर इनसे पूछो तो पता क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा, तो वो तो हम भी कह रहे थे, तो आप नई बात क्या कह रहे हो, एक बात। दूसरी बात, प्रियंका जी, कहाँ आप आलोक जी से बहस कर रही हैं? ये दल बदलू लोग हैं, कल आपके साथ फिर आ जाएंगे, इनको सत्ता चाहिए, अभी सत्ता उनके साथ है तो उनके साथ रहेंगे, सत्ता आपके साथ होगी तो आपके साथ आ जाएंगे। कहा आप टाइम वेस्ट करती हैं आलोक जी के साथ, ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये सत्ता के साथ हैं, ये लड़ते किसी के साथ हैं, चले किसी के साथ जाते हैं, तो छोड़िए, इनकी कोई इनका कोई मॉरलिटी नहीं, इनका कोई ज्ञान देने बैठे, पहले अपने अंदर थोड़ा वजन ज्ञान दे रहे, लोग तोड़ने वाले चौधरी चरण सिंह की पीठ पे चूहा घोंपने वाले लोग, दूसरों के मुझे ज्ञान दे रहे, अपना इतिहास जाके पढ़िए, पहले सारे थे आरजेडी के, सारे थे इतिहास पढ़िए, बीजेपी के चौधरी चरण सिंह के समय से पीठ पे खंजर घोंपने का इतिहास है, आप मुझे ज्ञान देने बैठ गए आपके महिला को मार के अजूबा बनाते हैं, आप बिहार सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, और आप लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस सशक्त ताकत बनकर आ रहा है और विपक्ष बनकर आ रहा है, उसकी वजह से आपकी सत्ता जो है डगमगाई हुई है, वो हिंदुस्तान पर आपके चेहरे से और आपके मैं अब जरा जीवीएल जी को मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, प्लीज जरा जीवीएल जी को एक मौका दें, प्लीज प्लीज अनुराग जी आलोक जी, प्रियंका जी, अनुराग जी, आलोक जी, प्रियंका जी, नरसिम्हा राव जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, मुझे इतना मौका दीजिए। नरसिम्हा राव जी, जिस तरीके से आज राम मंदिर निर्माण को लेकर हर कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सवाल कर रहा है, प्लीज 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 अनुराग जी प्लीज एक मिनट, अभी आपने मैं आ रहा हूँ अशोक जी, मैं आ रहा हूँ जी, क्यों नहीं अशोक जी, अशोक जी एक सेकंड अशोक जी, आपको क्योंकि आप अनुराग जी प्लीज, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी एक मिनट धीरज रखिए, एक मिनट नरसिम्हा राव जी, आज एक बड़ा सवाल है पूरे देश के सामने, और वो ये कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगातार बातें हो रही हैं। अनुराग जी प्लीज नहीं है क्या, प्लीज नरसिम्हा राव जी, राम मंदिर निर्माण को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा जा रहा है, क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि 2019 से पहले राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि तब तक सुनवाई खत्म हो जाएगी, ये आशा क्या आपको है नरसिम्हा राव जी? नहीं अजय जी, उस पर टिप्पणी करने के पहले जिस बात पर प्रियंका जी भटक गई थी, आपने आपका ये वक्तव्य था कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है भैया, वो फेक हिंदुत्व है, तो मतलब कभी अपने आप को मुसलमान की पार्टी कहने वाली बाहर आकर के हिंदू को हर एक ग्रुप को कांग्रेस पार्टी एक्चुअली उनको गुमराह करना चाहती है, उसमें असफल हो रही है बार बार। जनता विकास की बात कर लो, थोड़ी जनता की भी बात कर लो, जनता बहुत अहम है, वो जनता की वजह से सब कुछ है, ये धर्म भी जनता की वजह से, सरकार भी जनता की वजह से, जनता की बात क्यों नहीं करते? भव्य मंदिर बनना चाहिए, हमने ये हमारी स्टैंड में कहीं कोई बदलाव नहीं है, बट लेकिन राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले के जरिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए हो सकता है, इलेक्शन में जाओगे हम इसके पक्षधर हैं, बनाएंगे तारीख भी नहीं बताएंगे, आपको मूर्ख बनाते रहेंगे हर इलेक्शन में। अनुराग जी, आपके सवाल का जवाब नरसिम्हा राव जी ने अपना दिया, लेकिन प्रियंका जी तारीख बताइए, देखिए कितना कलेजा आपके अंदर पकड़ा है, इसलिए आप कलेजा आपके अंदर जीवे अशोक जी इससे पहले कि अशोक जी प्लीज अनुराग जी एक मिनट प्लीज अनुराग जी
प्लीज अशोक जी, अभी हमने यहाँ पर तमाम बातें सुनी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज ये फेक हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व, हिंदुत्व के नाम पर आज इतना बखेड़ा क्यों मचा हुआ है? सिर्फ इसलिए क्योंकि देश की आबादी 80% ही हिंदू है और उसका वोट महत्वपूर्ण है, इस बात का ज्ञान आज सभी राजनीतिक दलों को हो चुका है। अशोक वानखेड़े जी, अजय जी, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। ये जितने पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये इस बात को बार बार डिनाय करेंगे कि हमें कोई जाति धर्म से मतलब नहीं, लेकिन जब वोट के समय मार्केटिंग करना होता है तो हर एक का एक भगवान होता है, ये सालों से चलता आ रहा है। जिस चीज पे लोग जीतते हैं, एक जमाने में गरीबी हटाओ का नारा था तो सब लोग गरीबों के लिए काम करने की बात करते थे, आज धर्म की बात हो रही है तो सब धर्म की बात कर रहे हैं। नरसिंह राव जी बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, मुझे सूडो सेक्युलरिस्ट कहते हैं, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि संघ चालक भी मेरे ही लाइन में रखना चाहते हैं। संघ चालक ने कहा कि मुसलमान के बगैर हिंदुत्व हम सोच नहीं सकते। संघ चालक ने कहा किसी मुक्त नहीं, हम युक्त की बात करते हैं। अभी तक कांग्रेस मुक्ति की बात हो रही थी, अब वो युक्त की बात करते हैं। संघ ने भी थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाया, समय के साथ आपको लाना पड़ेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी जो बिकता हुई चीज है उसको हर आदमी बेचेगा। आज यदि धर्म बिकता है तो आपको आश्चर्य होगा अजय जी, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को एकदम अलग कहती है, उसने भी अभी रिसेंटली 50,000 रुपए का डोनेशन देने की बात की उन एनजीओ को जो वाल्मीकि जयंती मनाएगा, जो छठ पूजा मनाएगा, जो कांवड़ यात्रा में सहायता करेगा। ये सरकारी फंड से पैसा देने वाला शायद पहला राज्य होगा। तो आम आदमी पार्टी को भी चुनाव जीतना है, आपको चुनाव जीतना है, आपको धर्म, क्योंकि धर्म हर व्यक्ति के आस्था का आस्था से जुड़ा हुआ है और उसको आप अपील करोगे। यदि आपके पास गुजरात का डेवलपमेंट का मॉडल है बेचने के लिए, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसने 15 साल में गुजरात को राम राज्य बनाया, उस आदमी को क्यों चाय वाला और ओबीसी कहना पड़ता है? क्योंकि देश में बिकती वो चीज है, विकास के नाम पर ही 2014 ये अलग डिबेट है, आपके विश्लेषण में लेकिन 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 अशोक जी, अशोक जी मुझे लगता है नरसिंह राव जी को मौका देना चाहिए राज्य होता कि वो अपनी बात को रख सके। अशोक के राज्य के बाद 25 साल के राम राज्य के बाद सब कुछ खुशहाली हो, वहां 99 पे नहीं आते 120 से। नरसिंह राव जी इसका जवाब दीजिए। नरसिंह राव जी, आज व्यक्ति पूजा इतनी बड़ी हो गई है कि आज मुझे लगता है कि संघ से निकले हुए ये जितने भी प्रचारक है वो भी संघ को भूल गए। उन्होंने कहा कि अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी अपनी बातों को आपने रखा, अब नरसिंह राव जी का जवाब सुनना आवश्यक है, इसलिए वो एकदम आक्रामक होकर बोलना शुरू कर देते हैं। नरसिंह राव जी, कोई आक्रामकता नहीं है, तारीख बता दीजिएगा। मैं अपना नरसिंह जी तारीख की जरूरत है, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बट एक ऑब्जर्वर के नाम पे भी बता रहा हूं। 2014 में हमने केवल और केवल विकास ही हमारा मुद्दा था, उसी आधार पर हमने झूठ के नाम पे लड़े थे, बार भी 15 लाख रुपए बोले थे, रोजगार बोला था, सब झूठ बोला था, जनता को धोखा दिया है। 2014 में बोला था 15 लाख रुपए देंगे हम जीत जाएंगे, बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ चला गया? गंगा साफ हो जाएगी, कहाँ हुई? एक आध गिनाओ तो सही। 14 तो बताइए मत, एक नाराजगी का नतीजा जनता को ठगा, जनता आपको ठगेगी। 2014 का कोई डिलीवरी नहीं हुआ, इसलिए 2019 में अब धर्म सामने आ रहा है। 2014 में जो बोला गया था उसमें से हुआ क्या है? 100 दिन में महंगाई कम करनी थी, 60 साल आपने कांग्रेस को दिया, सिर्फ 60 महीने मांग रहे थे। अरे 60 महीने में से 48 महीने गए, तो आज के देश में भी आपके पास सिवाय धर्म गो हत्या इसके सिवा कुछ नहीं है। यही बार बार लाएंगे और यदि आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो AK-47 से आज भी यूपी में लोग घूमने जा रहे हैं। आज गाय मर रही है, गाय को लेने के लिए उत्तराखंड सरकार सामने आती है। ये दोहरा मापदंड बंद कर दीजिएगा, कम से कम आपको ऑब्जर्वर कहो तो ऑब्जर्वर जैसी बात करो। ये आप बीजेपी का चोला पहने ऑब्जर्वर मत बनिए। अभी नरसिंह राव जी ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और वो है छद्म हिंदुत्व का। प्रियंका जी, क्या आप लोगों के सामने फेक हिंदुत्व रख रही हैं, छद्म हिंदुत्व? क्या आज हिंदुत्व भी अलग अलग तरीके का बिकने लगा है बाजार में? प्रियंका जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? प्रियंका जी अभी हमारी आवाज नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन अजय आलू
प्रियंका जी, हाँ बस प्रियंका जी, मैं जवाब देता हूँ इसका। नहीं अशोक जी, एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। अब प्रियंका जी हमारे साथ हैं। अशोक जी को ही नहीं होता। अशोक जी एक जो अशोक जी एक मिनट, प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोई गलत आप कब से कांग्रेस में शामिल हो गए अशोक जी? प्रियंका जी आप हमारे यहाँ सुन पा रहे हैं? कांग्रेस में शामिल हो गए प्रियंका जी? कांग्रेस में नहीं हुआ, जब से आप ऑब्जर्वर हो गए हैं। मैं तो बोलता, अरे मैं तो संघ की शाखा में जाने वाला आदमी हूँ भाई। प्रियंका जी, मैं वो प्रियंका जी बोलता हूँ जो प्रियंका जी, मैंने अभी आपसे ये सवाल पूछा। नरसिम्हा राव जी ने अभी कहा कि कांग्रेस आज पूरे देश भर में बता दूं मैं आपको, हिंदुत्व यानी कि फेक हिंदुत्व बेच रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। क्या ये हिंदुत्व का नई एक परिभाषा है जो आप गढ़ चुके हैं? प्रियंका चतुर्वेदी जी, नहीं आपको अपना सवाल दोहराना पड़ेगा क्योंकि उस शोर में मुझे आपका सवाल नहीं। सवाल ये है कि नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं आप छद्म हिंदुत्व जनता के सामने प्रस्तुत कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी लोगों को बेवकूफ बना रही है। अभी आप बीच में हमारे साथ नहीं थी, इस बीच में नरसिम्हा राव जी ने ये बातें कही, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। प्रियंका जी, नहीं नहीं खुद बन रहे हैं जनता को आप। हाँ, जी तो जनता को देखिए बहुत हंसी आती है, मैं इतना तो जब भारतीय जनता पार्टी जो ढोंगी हिंदू है वो हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने में तुली रहती है कि किस तरीके से हिंदू धर्म वाले लोग वोट करते हैं नहीं वोट करते हैं। शायद अगर वो अपना इतिहास झांक कर देखेंगे तो इतिहास से ही स्पष्ट हो जाता है कि आज देश की अधिकतर जनता ने बार बार कांग्रेस को वोट देकर, कांग्रेस पे समर्थन देकर, उन्होंने अपने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कांग्रेस की सरकारों को दिया है। 1999 से लेकर अब हम 2019 में करीब करीब 20 वर्ष हो गए हैं अजय जी, और इस 20 वर्ष में से 9.5 साल करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इन्होंने बार बार चोला उड़ा था कि वो लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, पर वापस वही मुद्दा बनाते थे कि इलेक्शन से पहले राम भगवान का नाम लेते थे और फिर जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं तो भगवान राम को भूल बैठते हैं, उन पर राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं, पर जब राजनीति पूरी हो जाती है और जब जब उनकी राजनीति संकट में आती है भगवान श्री राम को फिर से याद कर लेते हैं। पर ये ऐसे ढोंगी हैं जिन्होंने सवाल उस पर खड़े किए हैं जब कोई तीर्थ यात्रा करता हो, कोई धार्मिक यात्रा करता हो, कोई प्रियंका जी मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास वक्त बहस के लिए बहुत ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। नरसिम्हा राव जी एक छोटा जवाब प्लीज, कौन तीर्थ यात्रा पे गया? मानसिकता ये क्या ऐसी है, सोच इतना छोटा है कि इनको समझ में ही नहीं आता होगा कि हिंदू धर्म भी कहता है। देखिए अजय जी, हमारे परिवार नरसिम्हा राव जी प्लीज, उसी को सोचकर, उसी समझ को आगे बढ़ाकर और वही प्रथा को देश आगे बढ़ाकर। प्रियंका जी, प्रियंका जी जरा मेरे पास वक्त कम है, मैं आग्रह कर रहा हूँ प्लीज नरसिम्हा राव जी, बहुत छोटा जवाब, छोटा जवाब। गांधी को आती क्या है? राहुल गांधी जी को कुछ आती नहीं है, इसलिए वो नकल करने में लगे हैं। और नकल तो असल असल कभी हो नहीं सकती है। आपको इसलिए इस प्रकार की ढोंगी बनते हमारी राजभाषा तो सीखो पहले पहले, आप हिंदुस्तान की बात करते पहले हिंदी तो सीखो। जनता को आता बोलते हैं, अरे हिंदी की क्यों टांग घर का ना घाट का, कांग्रेस का यही होने वाला है, ठेकेदार बना डाला घर का ना घाट का, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नरसिंह राव जी, हिंदू कौन नकली? जब बोहरा समाज की जी आलोक जी, राहुल गांधी कॉपी, आलोक जी आप अभी कुछ कह रहे थे, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी उसका भी सम्मान करते, अजय आलोक जी जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ही मंदिर जाने पे भगवान प्राप्त होंगे? बार बार राम का नाम ले आती है जी और राम के नाम पे कुछ करती नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कांग्रेस पार्टी की राम के नाम से एलर्जी क्यों है? वोट पाया राम के नाम से एलर्जी क्यों? शिव को पकड़ लिया, राम को ही पकड़िए, शिव को ही पकड़िए, राम के नाम से 440 वोल्ट का करंट क्यों लगता है? देश में आप ही के प्रधानमंत्री कह देते कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, बाद में कह दिया अरे कह देते सारे भारतीयों का है, इतनी राम के नाम से एलर्जी क्यों है कांग्रेस पार्टी? मैंने नहीं देखी होगी, करने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सेंटर कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सेंटर, जब राम के नाम पे एलर्जी दिखा के, राम के नाम पे एलर्जी जिन्होंने गठबंधन को धोखा दिया हो, राम के नाम पे एलर्जी मत करिए, राम हमारे श्रद्धे हैं, पीठ पे छुरा होगा वो हमें ध्यान देंगे उनकी। मैं आपको राम के नाम से एलर्जी क्यों है भाई? अरे भगवान श्री राम से तो एलर्जी आप लोगों को है, भगवान श्री राम को कितना इस्तेमाल करेंगे? तो जय श्री राम बोलिए ना, जय श्री राम बोलिए, बीजेपी से एजेंडा छीन लीजिए। नाम शिव जी की एलर्जी आपको क्यों है? अरे शिव और विष्णु की एलर्जी आपको क्यों है? जय श्री राम, एक पार्टी के दो ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते क्या? अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी क्या कह रहे हैं आप? अशोक जी क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। एक पार्टी के दो ब्रांड एम्बेसडर और ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर है राम और शिव।
अशोक, एक पार्टी के दो ब्रांड एम्बेसडर कैसे होंगे भैया? आप शिव को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो और राम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी को मिस कॉल देकर मेंबरशिप लेने के बाद मंदिर जाऊं तभी भगवान प्राप्त होंगे क्या? यदि मैं कल किसी भी पार्टी में रहूं या किसी पार्टी का नहीं हूं, जय श्री राम बोलना शुरू कीजिए, जय श्री शंकर बोलिए, दोनों नहीं बोलेंगे, और उधर हरा कुर्ता वाले जय श्री कृष्ण ही बोले। चलिए मैं अभी अभी अनुराग जी से पूछ लेता हूँ। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, आपको जय श्री राम या ओम नमः शिवाय कहने में कोई आपत्ति है क्या? मिले तो जय राम बोलेंगे। अनुराग जी, मोदी बोलने से जय श्री राम या ओम नमः शिवाय बोलने में क्या अनुराग भदौरिया को कोई आपत्ति है? जय श्री राम, हम लोग तो जय श्री, अरे हम लोग तो ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं भगवान, अरे कोई आपत्ति नहीं है, जय श्री राम भी बोलते हैं और हम लोग शिव भी बोलते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अजय लोग से, आपकी बुद्धि हरे कुर्ते में क्यों अटक जाती है? आपका डेवलपमेंट यही क्यों अटक जाता है? देश के बारे में 2019 की लड़ाई सोच रखते हो क्या? देश की बात करते हो? एक आखिरी के बारे में सोचो, नरसिंह बाला जी की एक आखिरी टिप्पणी, जनता की बात करो। सिर्फ 30 सेकंड है, मैं आपके लिए सिर्फ 30 सेकंड निकाल पा रहा हूं, बहुत मुश्किल से। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अंततः 2019 के चुनाव का बुनियाद या यूं कहें कि आखिरी शब्द सिर्फ और सिर्फ धर्म होने जा रहा है, ये वास्तविकता है? आपको लगता है हाँ या ना? धर्म पे ही, नरसिंह बाला जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। विकास विकास ही पॉजिटिव एजेंडा पर ही लोग वोट करते हैं, और ये लोग सब मजबूर हो गए हैं, आज ये सब मजबूर हुए हो गए हैं, अशोक जी भी मजबूर हो गए हैं, इनको आज अपना हिंदू होने का कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। कल तक ये शर्म महसूस करते थे, ये सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, हिंदू को जलील करते थे, हिंदू आतंकवाद करके हमें पूरे विश्व में हिंदुत्व को हिंदुइज्म को बाकी भी हिंदू है में षड्यंत्र, अभी तक आंखें बंद करके दूध पी रहे थे, ऐसी बिल्ली पीती है आज। मैं समझ चाहता हूँ इस बहस को, मुझे यही खत्म करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ये एक शाश्वत बहस है, और कम से कम जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक ये बहस ऐसी ही रहेगी। लेकिन इतना तो तय है कि आधार 2019 का सबसे बड़ा धर्म ही बनता दिखाई दे रहा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छूने का आरोप लगाया।